नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपगढ़ नगर पालिका बैठक में सफाई एवं सफाई कर्मचारियों का मुद्दा छाया रहा। नगर पालिका मंडल साधारण बैठक आज अध्यक्ष प्रियंका बलान की अध्यक्षता में सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में विधायक संतोष बावरी, उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल, अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई एवं समस्त पार्षदगण में सुखविंदर सिंह मक्कड़, सुनील बिश्नोई, परमजीत कौर रामदासिया, परमानंद गौड़, राजू चलाना उपस्थित रहे। अध्यक्ष प्रियंका बलान की अनुमति से बैठक कार्रवाई प्रारंभ की गई। बैठक में सफाई एवं सफाई कर्मियों की भर्ती करना एवं प्रमोशन का मुद्दा छाया रहा। फिर भी बैठक में रखे गए 15 एजेंडों में से 14 एजेंडे सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। उपाध्यक्ष सतपाल मुंजाल द्वारा मंडल में स्वीकार किया गया कि सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है तथा सफाई व्यवस्था में प्रेमनगर की दशा अत्यधिक खराब है। चुनाव समय से लेकर आज तक नाली से निकाला हुआ कचरा भी उठाया नहीं गया। उन्होंने मंडल के अंदर यह स्वीकार किया और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। वहीं पार्षद परमजीत ने वार्ड नंबर 8 में पूरे शहर का गंदा पानी को पीछे से बंद करवाने की भी बैठक में पालिका में 3 छोटे ट्रैक्टर ट्राली एवं 4 ऑटो ट्रिपर क्रय करने पर विचार हुआ और कहा कि इससे घर घर कचरा संग्रहण में काफ़ी सुधार होगा। साथ ही काफ़ी समय से रिक्त चल रहे सफाई कर्मचारियों के 40 पदों पर पार्कों के रख रखाव हेतु 4 पदों, 2 विद्युत सहायकों के पदों पर नविदा सुविधा के माध्यम से भर्ती किए जाने हेतु सर्वसम्मति बनी। एजेंडा संख्या 15 अन्य मुद्दों में न्यायालय विभाग को न्यायिक अधिकारियों के आवास हेतु भूमि आवंटन करने के साथ अन्य मुद्दों पर सर्वसम्मति बनी। सदस्य बैठे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी सफाई नगर पालिका की प्राथमिकता है और सभी अभी सफाई से पीड़ित भी हैं। हमारी प्राथमिकता पे अगर हम नहीं काम कर पा रहे हैं तो वो एक सोचनीय और चिंतनीय विषय है। तो मैं ये कहना चाहूँगी 215 अभी हमारे पास पद है और उसमें से 166 और 165 हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं। तो सर्वप्रथम तो 215 हम भरें, क्योंकि अब अभी सभी वार्डों में हमने 3-3 सफाई कर्मचारी या 2 सफाई कर्मचारी दे रखे हैं और जैसा कि वार्ड पार्षद बताते रहते हैं और हम भी सफाई देखते हैं तो कहीं पे 4 की व्यवस्था चाहिए, कहीं पे उससे ज़्यादा चाहिए या कहीं कम क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मैं ये कहूँगी कि अगर नवसृजित जो पद हम करें और इनके जो 215 में फिलअप करने हैं और नए पद सृजित करने हैं उससे पहले अगर हम कोई ठेके पे जिस हिसाब से नगर पालिका अपनी व्यवस्था के हिसाब से लेती रहती है तो कुछ सफाई कर्मचारी हम आज ही इसको पारित कर कि ठेकर पर सफाई कर्मचारी लेकर और सभी वार्डों में उपलब्ध करवाएं तो ये बेहतर रहेगा और हमारी सफाई मेंटेन रहेगी। हाँ, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, जब ये पद भर जाएं, जब हमारे पास पर्याप्त सफाई कर्मचारी रहें तब उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब तक ये भरे नहीं जाते वो समय हम लंबा ना लेते हुए सफाई के को ध्यान में रखते हुए हम इनको हमारे सफाई कर्मचारियों को जो नए हैं उनको ठेके पे लें और आप लोग की अगर सहमति है तो हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तक अपनी नगर पालिका के हालात तो ऐसे नहीं है कि वो खाली करोड़ों रुपए इसी में व्यय कर दिए जाए कि स्वागत द्वार अच्छे बन जाए, वो बन जाए। वे जो सेकावाटी एरिया की जो कल्चर की आप बात कर रहे हैं वहाँ भामाशाहों द्वारा बनाए जाते हैं। अगर कोई भामाशाह अपने को यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में अपने अनूपगढ़ में भी मिल जाए तो निश्चित रूप से द्वार बनाने में कोई किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं, इनको हम सुचारू रूप से जारी करें। उसके बाद में अगर अपने कोई एक्स्ट्रा इनकम वगैरह भी कोई सोर्स ऐसे बनेंगे तो नगर पालिका बनाएगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो एक बार ये द्वार वगैरह ऐसे चीजों पे तो अपने अनावश्यक धन खर्च नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है, स्वागत द्वार के लिए जो एंट्री करते हैं, जहाँ बोर्ड लगते हैं नगर पालिका क्षेत्र में, आपका हार्दिक स्वागत है, फोटो लगी होती है, ये चीजें तो देखो एक अच्छी है और पहले लगी हुई भी थी। अगर उसमें थोड़ा सा विस्तार दे के और उसको थोड़े से खर्च में अगर भव्य बन सकता है तो वो अपने को करवाना चाहिए। योग्यता से संबंध जो है शैक्षणिक योग्यता से है, योग्यता से अर्थ जो है कार्य करने की क्षमता से नहीं है। और मेरा निवेदन ये है कि प्रमोशन करने से पहले जो स्वीकृति चाहिए होती है वो यहाँ स्वीकृति है, जो प्रमोशन है वो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होंगे। मेरा निवेदन ये है आपसे, तो उसमें 50% शैक्षणिक योग्यता, यहाँ शैक्षणिक योग्यता शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, योग्यता से यहाँ कार्यकुशलता शब्द का प्रयोग नहीं है।
मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, वो जो स्वीकृति है पहले, वो स्वीकृति चाहिए जा रही है कि वे अपने कर्मचारियों को आगे बढ़ाएं। वो जैसे सीनियरिटी में आएंगे, जो अकॉर्डिंग टू रूल बनेगी स्टेट गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ स्वीकृति चाहिए जा रही थी, उस पर मैं स्वीकृति जो है इसको मानते हुए आगे बढ़ू सर। जी सर, चलो क्योंकि तक इसके अंदर कोई एंटी टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वरीयता होनी चाहिए ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। क्योंकि योग्यता का इसमें मेरे ख्याल से कोई क्राइटेरिया नहीं है, जैसे पार्षद सभी बैठे हो, अगर इसके अंदर कोई योग्यता आपको कोई ऐसा लगता है कोई योग्यता हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। सफाई बिल्कुल चरमराई हुई है, कुछ जागरूक नए पार्षद महोदय आए हुए हैं, उनकी वजह से व्यवस्था चल रही है। पुरानी व्यवस्था थी 25 नंबर वार्ड तक की, और कर्मचारी उतने ही है, 35 वार्ड हो चुके हैं वर्तमान में, पूर्व में 25 थे, अब 35 वार्ड हो चुके हैं, कर्मचारी उतने ही है। तो मेरा ये आग्रह है बोर्ड से, कर रहा हूं मैं, इसका प्रस्ताव बना के भेजा जाए, जो भी जहां से भी अपने कम से कम 60 आदमी नए इसमें लिए जाए, नए की भर्ती हो जाए और सफाई व्यवस्था बढ़िया तरीके से चले, मेरा यही आपसे आग्रह है। चौक पर बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कनाट चौक लगा हुआ है, कैमरे भी लगे हुए उनके ऊपर।